सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडियो मास्टर के 15 इंच का स्पीकर जिसका मॉडल नंबर है TMB1555। 550 वाट का RMS पावर का स्पीकर है। स्पीकर आप देख सकते हैं, यहाँ से ईयर वेंटिलेशन के लिए होल दे रखे हैं और मैग्नेट भी आप देख सकते हैं, फ्राइट मैग्नेट में है। चेसिस डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। और स्पीकर का ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं, पीछे मैग्नेट में स्टीकर आपको देखने को मिलता है, स्टूडियो मास्टर का लोगो एंड यहाँ पर TMB1555 का इसका मॉडल नंबर है। और यहाँ पर होल्स भी दे रखे हैं जिससे कि यहाँ पर एयर वेंटिलेशन आपका बना रहे, वॉइस कोइल आपका ठंडा रहेगा। फिलहाल आप फ्रंट साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका पेपर कोन की क्वालिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मिड बेस स्पीकर है और इस वाले स्पीकर में आपको मिड और बेस काफ़ी अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर आप इसको डुअल 15 या फिर सिंगल 15 में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वाले स्पीकर का प्राइस, स्पेसिफिकेशन और यहाँ पर हम इसमें कितने वाट का HF यूज़ कर सकते हैं, ये सारे डिटेल्स मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ, इसमें हम कितने वाट का एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे, दो टॉप को चलाने के लिए, चार टॉप को चलाने के लिए हम कितने वाट का एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे, ये सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, बात करेंगे यहाँ पर स्टूडियो मास्टर का TMB1555 इसका मॉडल नंबर हो जाता है। एंड यहाँ पर जो स्पीकर का टाइप है वो मिड बेस और यहाँ पर इसका जो पावर रहेगा वो यहाँ पर 550 वाट RMS पावर में स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे तो 49 हर्ट्ज से लेकर के 3000 हर्ट्ज तक ये स्पीकर आपका फ्रीक्वेंसी काम करने वाला है, जिसमें कि आपका मिड और बेस काफ़ी अच्छा काम करने वाला है स्पीकर। और इम्पीडेंस के बारे में बात करेंगे तो 8 ओम्स का स्पीकर है, सेंसिविटी यहाँ पर 97.6 dB आपको मिल जाता है। और यहाँ पर वॉइस कोयल के बारे में बात करेंगे तो वॉइस कोयल डायमीटर यहाँ पर 100 mm मतलब कि 4 इंच का CCAW कोयल, मतलब इसमें इन आउट कोयल है और कॉपर क्लेड अल्मीनियम वायर यूज़ किया गया है। नेट वेट के बारे में बात करेंगे तो 10 किलो 500 ग्राम का एक स्पीकर का वेट हो जाता है। और यहाँ पर हम स्पीकर का प्राइस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इस वाले स्पीकर को डुअल 15 इंच में अगर हम लगाते हैं तो हम कितने वाट का एम्पलीफायर यूज़ करेंगे, साथ ही साथ हम कितने वाट का HF यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डुअल 15 इंच का अगर हम कॉलम बनाते हैं तो हम यहाँ पर 100 वाट का HF यूज़ कर सकते हैं या फिर 110 वाट का भी HF यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। अगर आप काफ़ी हेवी बेस के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप 110 वाट का HF लगा सकते हैं और वैसे आप 100 वाट का भी HF में आप इस वाले टॉप को बना सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं एम्पलीफायर के ऊपर। एम्पलीफायर आप यहां पर लेंगे दो टॉप को चलाने के लिए कोई भी अच्छा ब्रांड का 3000 वाट से लेकर के 3400 वाट का एम्पलीफायर, लाइक CA12 जैसे कि साउंड स्टैंडर्ड का CA12 एम्पलीफायर आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम यहां पर जो है एरॉन्स इंडिया के तरफ भी जा सकते हैं, एरॉन्स का एम्पलीफायर आता है CA4000 जो कि पर चैनल 1350 वाट 4 ओम्स के ऊपर अप्रॉक्स दे देता है आउटपुट, तो हम इस वाले एम्पलीफायर में चला सकते हैं। तो बहुत सारे आपको मार्केट में एम्पलीफायर मिल जाएंगे। दो टॉप को चलाने के लिए आपको 3000 वाट से लेकर के 3400 वाट का एम्पलीफायर आपको लेना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं चार टॉप को चलाने के लिए हम कितने वाट का एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे। तो चार टॉप को चलाने के लिए जो हम एम्पलीफायर यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर हम 4 से 5000 वाट का एम्पलीफायर लगा सकते हैं। तो बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा आपका 5000 वाट का एम्पलीफायर आप लगाएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी मिल सके। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 5000 वाट का एम्पलीफायर यूज़ करें। जैसे कि बहुत सारे ब्रांड है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर NX Audio का MT1201 यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बजट में जाना चाहते हैं तो एरॉन्स इंडिया के एम्पलीफायर में काफ़ी अच्छे मॉडल मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप जो है ऑडियोटोन के तरफ भी जा सकते हैं, ऑडियोटोन में भी आप MT1201 यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप साउंड स्टैंडर्ड में जाना चाहते हैं तो आप CA20 यूज़ कर सकते हैं चार टॉप को यूज़ करने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से आपका लोड कैलकुलेशन रहेगा। और हम बात कर लेते हैं इस वाले स्पीकर का प्राइस कितना होगा। तो प्राइस जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो MRP प्राइस बताने वाला हूँ। जी हाँ, मार्केट में आपको थोड़ा सा प्राइस कम लगेगा। एक ही स्पीकर का जो प्राइस रहेगा वो ओरिजिनल प्राइस MRP प्राइस यहाँ पर 11800 रुपये अप्रॉक्स रहेगा। प्राइस समय के साथ कम ज़्यादा हो सकता है, आप वीडियो कब देख रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिलहाल अभी का जो प्राइस रहेगा वो MRP प्राइस 11800 रुपये रहेगा, मार्केट में आपको थोड़ा सा कम में भी मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही था।
मैंने आपको सारा डिटेल्स देने की कोशिश करी काफ़ी कम समय में, छोटे से वीडियो में। तो वीडियो का फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।